Hello everyone, how are you all? Hello ma'am, we are from Mumbai. I'm also fine, thank you, and I welcome you in the session. Okay students, so today we will discuss exercises from book B, chapter number 5. Hai na? Chapter 5 related exercises hum book B mein discuss karenge aaj ke session mein, okay? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, I'm going to share a book. Wait. बेटा सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी अभी? नो मैम. नो मैम. नो मैम. मैम अभी नहीं दिख रही है. ओके बेटा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा स्लो दिखेगा आपको. यस मैम. ओके बेटा सभी को बुक दिखने लगी होगी ना? नो मैम. नो मैम. नो मैम. ओके बेटा तो सभी लोग अपनी बुक भी ओपन किए होंगे ना साथ में? यस मैम. यस मैम. ओके सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग डिफरेंटली. इसमें देखेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ईट कुक्ड फूड? सभी लोग सोच के बताइए व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कुक फूड. थिंक एवरीवन एंड शो योर हैंड. यस ऋषभ टेल. Mam cooked food is important to eat because cooking kills germs and make food soft to digest. Okay, good. Next, Mahak beta on the mic. Why is it important to eat cooked food? Beta Kanij, you tell. Mahak, aapka network problem. यस कनीज ये पर खाना पकड़ जाते हैं. हां ये खाना पकड़ते हैं बेटा. अपना माइक सभी ऑफ रखेंगे जिससे हम पूछेंगे वो अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे. ओके राशि बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. राशि देखिए आप व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ईट कुक्ड फूड मींस पका हुआ भोजन खाना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है. यू हैव टू गिव टू रीजंस देने हैं सभी को. रवि यू टेल बेटा जैसे भी ऋषभ ने बताया. रवि ऑन द माइक. ओके टेल बेटा प्रतीक आप बताइए व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ईट कुक्ड फूड ऑन द माइक. माइक ऑन करके आंसर दो बेटा. यस मैम अगर भोजन खाएंगे तो हम बेटा आपको टू रीजन ऐसे लिखने हैं. देखिए आपको आंसर लिखना कैसे है. फर्स्ट आपको ऐसे लिखना है कुकिंग किल्स जर्म्स. ठीक है सबसे पहला रीजन आप देंगे कुकिंग किल्स जर्म्स. अगर हम फूड को कुक करेंगे तो जो जर्म्स है जो कीटाणु है वो नष्ट हो जाते हैं. फर्स्ट रीजन हो गया. एंड द सेकेंड रीजन दैट कुकिंग फूड आर इजी टू डाइजेस्ट. ठीक है कुक्ड फूड आर इजी टू डाइजेस्ट. अगर हम पका हुआ भोजन खाएंगे तो वो पचाने में आसानी होगा है ना. कर लेंगे सभी आंचल बार बार आप नहीं दौड़ेंगी. कोई भी फोन नहीं टच करेगा. सभी अच्छे बच्चे उतर बैठ के पढ़ाई करेंगे. लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी. नेम एनी फोर मेथड्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. यू हैव टू राइट द फोर मेथड्स नेम दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड.
थिंक एवरीवन, आई थिंक सभी को ये पता होना होगा, सभी को पढ़ाया गया है कुकिंग के फोर मेथड्स क्या क्या है. आपको 5-6 बताया गया बट आपको 4 यहाँ बताना है. यस सलोनी, सोनाक्षी बेटा, सोनाक्षी ऑन द माइक. बॉइलिंग, बॉइलिंग, यस, फ्राइंग, फ्राइंग, मेकिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग, यस, स्टीमिंग, आप बॉइलिंग दे सकते हैं. यस ऋषभ, यू टेल. मैम फ्राइंग, बॉइलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग एंड रोस्टिंग. फ्राइंग, बॉइलिंग, बेकिंग एंड रोस्टिंग, गुड. सलोनी चौहान, यू टेल स्पेलिंग ऑफ फ्राइंग ऑन द माइक एंड टेल मी स्पेलिंग ऑफ फ्राइंग. एफ आर आई एन जी. बेटा रॉन्ग, यू आर टेलिंग द स्पेलिंग रॉन्ग. एफ आर वाई आई एन जी. यस ओके. रवि, गरिमा, गरिमा बेटा ऑन द माइक. गरिमा, गरिमा की आवाज नहीं आ रही. कनीज बेटा, यू टेल स्पेलिंग ऑफ बॉइलिंग. स्पेलिंग ऑफ बॉइलिंग. मैम बी ओ आई एल आई एन जी. ओके गुड. ओके दिव्यांशी, स्पेलिंग ऑफ बेकिंग. स्पेलिंग ऑफ बेकिंग. मैम बी ए के आई एन जी. ओके गुड. आंचल, यू टेल स्पेलिंग ऑफ. आंचल ऑन द माइक. रोस्टिंग, स्पेलिंग ऑफ रोस्टिंग. आंचल, आर ओ एस टी आई एन जी. आर ओ एस टी आई एन जी, रोस्टिंग. ओके समझ में आया सभी को? यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस. राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग इन अ प्रेशर कुकर. आपको बताना है 3 एडवांटेजेस. मतलब एडवांटेजेस मींस मैम लाभ. एडवांटेजेस मींस होता है लाभ. ठीक है, आपको 3 एडवांटेजेस बताना है. आपको लाभ बताने हैं कि किस चीज का. कुकिंग इन अ प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में जो फूड कुक करते हैं, ठीक है, उसका 3 एडवांटेजेस बताना है. ओके, हु विल टेल मी ऑन द माइक? दिव्या, अगर हम प्रेशर कुकर में फूड को कुक करते हैं तो उससे 3 एडवांटेजेस क्या है? राशि बेटा तेजी से बोलना, बी लाउड. यस मैम. टेल प्रेशर कुकर में फूड को कुक करने के क्या 3 एडवांटेजेज हैं? क्या फायदे हैं? मैम फूड इजीली पक जाता है. मैम साइज, मैम उससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है. मैम हम ओके गुड. रवि, यू टेल बेटा. रवि ऑन द माइक. क्या होता है? मैम उससे फूड पक जाता है. फूड पक आसानी से पक जाता है. मीन्स आप लिखेंगे इट्स इजी वे ऑफ कुकिंग द फूड. मतलब प्रेशर कुकर जो इजी होता है फूड को पकाने में इससे, है ना. एंड द फूड आइटम्स आर वेरी सॉफ्ट. सॉफ्ट होते हैं, है ना. कुकर में जो पकाए जाते हैं सॉफ्ट होते हैं ना. एंड इजी टू डाइजेस्ट, है ना. एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्या है, मेन पॉइंट, कि इट सेव द टाइम. समय बचाता है, कम टाइम में हो जाता है ना.
यस मैम। तो कर लेंगे सभी इसको। यस मैम। बेटा सलोनी अपना फोन सही करिए, कोई बार बार फोन टच नहीं करेगा, बैड हैबिट। एक्सरसाइज नंबर बी देखते हैं। नेम एनी टू फूड आइटम्स दैट डू नॉट रिक्वायर कुकिंग। वेरी इजी क्वेश्चन। नेम एनी टू फूड आइटम्स दैट डू नॉट रिक्वायर कुकिंग। थिंक एवरीवन, यू ऑल नीड टू टेल। सबसे पहले बताएंगी गरिमा। गरिमा? यस मैम। यस ऋषभ, टेल बेटा। मैम फ्रूट चाट एंड सैलेड। सैलेड सलाद, फ्रूट्स एंड सलाद। ओके नेक्स्ट दिव्यांशी। दिव्यांशी ऑन द माइक। चल बेटा। नहीं पता है? अब सब स्टार्टिंग में पढ़े मैम। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम जिसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको रॉ ही खाते हैं। टमाटो। टमाटो तो पकाते भी हैं। कैरेट। कैरेट। ओके यस सोनाक्षी। कैरेट और मैम कैरेट और कैरेट रेडिश क्यूकुम्बर। ओके नेक्स्ट। यस कनीज टेल। मैम फ्रूट तो कर लेंगे इसको सभी, है ना? यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुक एनी टू फूड आइटम्स एट होम विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। चलिए सभी को कुकिंग करना है। कुक एनी टू फूड आइटम्स, आपको कोई भी टू फूड आइटम कुक करना है। किसकी हेल्प से? अपने पेरेंट की हेल्प से। और आप कुकिंग के दौरान जब कुकिंग कर रहे होंगे, आप जो भी देखेंगे ऑब्जर्वेशन, मीन्स कैसे कौन सा चीज बना, या पूरा स्टेप आपको राइट भी करना है इस टेबल में। कर लेंगे इट्स योर एक्टिविटी। आप लोग कल इसको करना, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको पूछूंगी आप सभी से। ओके आपको कोई भी टू फूड आइटम कुक करना है अपने पेरेंट्स के साथ। सपोज दैट आप चपाती बना रहे हैं, या फिर राइस कुक कर रहे हैं, या फिर पोटैटो बॉयल करके वेजिटेबल बना रहे हैं। कोई भी आपको टू फूड आइटम बनाना है और उसका मेथड्स लिखना है, इसको बनाने में क्या क्या मेथड्स किया गया, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए गए और कितना टाइम लगा। ठीक है, ये फोर चीजें आपको नोट करना है। सबसे पहले आपको अपने फूड आइटम का नेम यहाँ पर ऐड करना है। नेक्स्ट मेथड यूज्ड फॉर कुकिंग, इस चीज को कुक करने में क्या मेथड यूज किए गए, एंड व्हाट आर द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए गए, एंड व्हाट इज द टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या था, कितने समय कितना समय लगा इसको पकने में, इसको बनने में। कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मजा आएगा इसको करके देखना सभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। नेम एनी थ्री अटेंसिल्स एंड राइट देयर यूजेस। आपको कोई भी थ्री अटेंसिल्स की नेम राइट करना है एंड आल्सो देयर यूजेज। सपोज दैट आपने अगर राइट किया यहाँ पे तंदूर, अब तंदूर का यूज किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, हु विल टेल मी? मोहित, मोहित ऑन द माइक। यस राशि। मैम खाने के लिए।
बेटा तंदूर आपका आपने जो एप्लायंसेस पढ़ा था इट इज अ ट्रेडिशनल ओवन अटेंसिल्स के नेम राइट होता है मैम यस मैम मैम चॉकलेट स्टिक बेकिंग तंदूर तंदूर को सेकने के लिए ना यूज करते हैं तंदूर ओवन यस मैम थ्री अटेंसिल्स लिखना है उनके यूजेस भी लिखना है आपको हु विल टेल मी द आंसर सबसे पहले कौन बताएगा शो मी योर हैंड सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे जिसको भी आंसर देना है अपना माइक पहले हैंड शो करेगा हम जिससे पूछेंगे वो फिर अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे यस सोनाक्षी ऑन द माइक बेटा मैम केक बेटा क्या सोच रही हो आप अटेंसिल्स में तो मीन्स उपकरण आपको थ्री अटेंसिल्स के नेम राइट करने हैं जिसका यूज करके आप फूड बनाते हैं आप फ्लैट तवा कर सकती हैं स्टोव कर सकती हैं उनका यूज क्या है ये राइट करेंगे प्रेशर कुकर भी राइट कर सकते हैं ओके यस बेटा आंचल आंचल ऑन द माइक मैम ओ मैम प्रेशर कुकर फ्लैट तवा यस व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैट तवा मैम चपाती बनाने के लिए बेकिंग चपाती आप ऐसे बोलेंगी बेकिंग चपाती ओके व्हाट इज द यूज ऑफ ओक मैम मेकिंग बॉइलिंग पोटैटो और मीट और राइस उबालने के लिए यूज करते हैं ना यस मैम यस व्हाट इज द यूज ऑफ और प्रेशर कुकर मैम बॉइलिंग ओके यस दिव्यांशी ऑन द माइक मैम पॉट मैम पॉट एंड फ्लैट तवा व्हाट इज द यूज ऑफ पॉट मैम बॉइलिंग मिल्क वेजिटेबल मीट फिश एंड राइस व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैट तवा मैम बेकिंग चपाती थ्री अटेंसिल्स लिखने बेटा ओके मैम दिव्या यू टेल दिव्या यस मैम यू टेल टेल द आंसर नंबर फोर मैम बेटा बी लाउड तेजी से बोलिए दिव्या प्रेशर कुकर ओके प्रेशर कुकर सलोनी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में नहीं आया है ओके मैं समझा देते हैं बेटा यस ऋषभ टेल मैम प्रेशर कुकर फ्लैट तवा एंड वोक यस यूजेस मैम प्रेशर कुकर के मैम स्टीम और बॉइल वेजिटेबल राइस एंड मीट यस वेरी गुड मैम वोक के फ्राइंग वेजिटेबल्स मैम फ्लैट तवा के मेकिंग चपाती एंड डोसा वेरी गुड चलिए क्वेश्चन नंबर वन समझ में नहीं आया सलोनी को बेटा यहाँ पे है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ईट कुक्ड फूड व्हाई मीन्स होता है क्यों क्यों ये इम्पोर्टेंट है टू ईट खाना कुक्ड फूड मीन्स पका हुआ फूड खाना क्यों इम्पोर्टेंट है गिव टू रीजन आपको टू रीजन देने हैं तो हम फूड को पका कर क्यों खाते व्हाट आर द टू रीजन प्रतीक प्रतीक यू टेल Yes.
बेटा आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, कट कट के, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। शलोनी जायसवाल, यू टेल, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, इसको समझ में नहीं आया था, आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी आपको। सलोनी बेटा माइक ऑन करिए, वीडियो ऑफ नहीं करेंगी, आपने वीडियो ऑफ कर लिया, ये बैड हैबिट है। टेल द आंसर शलोनी, टेल बेटा, बेटा अब आप बोलेंगे नहीं तो क्वेश्चन फिर से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको समझा चुकी थी एक बार, आपने फिर से मैसेज दिया कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से समझा रही हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप बोल ही नहीं रही है। टेल, क्वेश्चन समझ में आया आपको? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कुक फूड मतलब पका हुआ फूड ईट करना क्यों जरूरी है, तो पहला मेन रीजन क्या होगा? राशि, राशि आप बताइए बेटा इनको। राशि ऑन द माइंड? यस मैम। टेल व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? मैम उसके जर्म्स निकल जाएंगे। कुकिंग किल्स जर्म्स, आपको राइट करना है कुकिंग किल्स जर्म्स। एंड सेकेंड रीजन क्या है? कुकिंग क्या होगा? चेंज द फ्लेवर ऑफ द फूड, फूड का फ्लेवर चेंज हो जाता है, ये भी राइट कर सकते हैं, है ना? फूड आइटम बिकम सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, ये भी राइट कर सकते हैं, है ना? Yes, okay, तो इतना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 होमवर्क फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कल करना है, एक्टिविटी है, इसको पहले करेंगे तब नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4 इट्स वर्क फॉर टुडे, ओके कर लेंगे? Yes, sir. हाँ, 1, 2, 3, 1, 2, 4 आज करके भेजना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्टिविटी है वो आपको कल भेजना है, एक्टिविटी करने के बाद, ओके? यस मैम। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2, हम इसको समझा देते हैं आज। दिस वर्क यू हैव टू डू टुमारो, आज हम समझा देते हैं इसको कल करना। इसमें करना क्या है? अपीलियंसेस एंड फ्यूल्स, कुकिंग के एप्लायंसेस उपकरण क्या है और फ्यूल्स मींस ईंधन, जैसे आपने भी कल इस टॉपिक को पढ़ा है ना, डिफरेंट टाइप के जो एप्लायंसेस होते हैं। मैम मेरे हस्बैंड हैं। यस, डिफरेंट फ्यूल यूज किया जाता है, जैसे कि गैस स्टोव है जिसमें सिलेंडर में गैस होता है, गैस स्टोव टू टाइप के होते हैं, केरोसिन ऑयल वाला एक होता है, एक गैस स्टोव होता है, गैस स्टोव जो की गैस से चलता है, केरोसिन स्टोव जो होता है वो केरोसिन ऑयल से चलता है ना। ऐसे ही जो ट्रेडिशनल ओवन था जिसको चूल्हा कहते हैं, इसमें एज अ फ्यूल वुड यूज करते थे, काउडंग केक, काउडंग केक यूज किया जाता था। बेटा आवाज किसी के यहाँ से आ रही है? लेट मी सी, सोनाक्षी पाल आपके यहाँ से आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ रखिए। देखिए अब लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेम द कुकिंग एप्लायंस, लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज दिस, व्हिच एप्लायंस इज इट? आई थिंक अक्सर सभी के घरों में होगा, क्या है ये? हु विल टेल मी? मैम इंडक्शन, इंडक्शन है ना, इंडक्शन स्टोव। यस सलोनी, इंडक्शन स्टोव है, यहाँ पे राइट कर लेंगे सभी। इंडक्शन स्टोव, पहले स्टोव। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर काउडंग केक्स, what are cowdung cakes and how is food cooked using this fuel? Cowdung cakes kya hai? So yahan pe kya likhenge? Cowdung cakes are
such type of fuel that is used in chulha, that is used to burn chulha, that is a traditional oven, hai na? कर लेंगे सभी बेटा, आप माइक और रखिए, अगर आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस होती है उस समय अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है? सभी लोग माइक ऑफ करके बैठे रहेंगे तो रिप्लाई कौन करेगा? यस मैम। नेक्स्ट, तो बेटा ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 1-2। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, given a choice of using LPG, wood and solar energy for cooking food, which one would you choose and why? List 3 reasons for your choice. करना क्या है आपको? आपके पास 3 options हैं. Listen carefully. आपको food cook करना है और आपके पास 3 options हैं कि कौन सा appliances आप use करते हैं. समझ में आया? तो पहला क्या है? एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? आजकल लास्ट सेशन में हमने पढ़ाया था इसे आपको, एलपीजी गैस। शो मी हैंड, हु विल टेल? दिव्यांशी ऑन द माइक। मैम लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस। गुड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, एलपीजी, दूसरा है वुड, मींस वुड का यूज करके आप चूल्हा जलाइए, या फिर एलपीजी गैस का यूज करके आप स्टोव, गैस स्टोव यूज करिए, या फिर सोलर एनर्जी वाला, जो आपका सोलर एनर्जी वाला वो था एप्लायंस था वो यूज करिए। आप क्या चूज करेंगे? विच वन वुड यू चूज एंड व्हाई? चलिए मनीष यू टेल, अगर आपको फूड कुक करना है, आपके पास 3 अप्लायंसेस है, एलपीजी है, वुड है, सोलर एनर्जी है, तो कौन सा आप यूज करेंगी एंड व्हाई? आल्सो गिव द रीजन, 3 रीजन बताना पड़ेगा आपको। एलपीजी, मैं एलपीजी। LPG, why? Give the reason. LPG आप क्यों यूज करेंगी? मैम उससे जल्दी मैम लंच हो जाएगा और मैम because it saves the time, है ना, and it is environmentally friendly कर सकते हैं, है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. And it doesn't create smoke, धुआं नहीं देता है, है ना? Yes ma'am. Yes. So I think ये भी हो जाएगा. Yes ma'am. Yes ma'am. Any confusion बेटा? Any problem? किसी भी question में? No ma'am. दिव्या, सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगी? यस मैम। 5.2 आज ही करना है। 5.2 इट्स वर्क फॉर टुमारो, आज नहीं करना, आज मैं समझा दिया है क्योंकि कल आपकी लाइव क्लास इस सब्जेक्ट की नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट की है, सो दैट आज आप अगर पढ़े रहेंगे तो कल कर पाएंगे इजी तरीके से क्वेश्चन का आंसर, ओके? इसलिए मैं समझा रही हूँ। Yes, ma'am. ये वाले सारे वर्क हो जाएंगे एंड 5.1 का भी करेंगे। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, तो और भी कोई कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं अभी। चलिए हम लोग यहाँ पे बुक ए का रिकैप एंड रिवीजन, वन चैप्टर 1 से लेके 5 तक आपने जो पढ़ा है इस रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन से इसको भी हम देख लेते हैं, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स हेल्प अस। अब जिससे हम पूछेंगे वो बताएंगे, सभी ने पढ़ा होगा ध्यान से। यू नीड टू थिंक एंड रिप्लाई, शो मी हैंड। लंग्स हेल्प अस, लंग हेल्प करते हैं आपकी इन विच वर्क? आंचल
मैम फिल्टर फिल्टर क्या फिल्टर करते हैं नहीं पता लंग्स हेल्प अस सोनाक्षी यस सलोनी सलोनी चौहान मैम ब्रेथ ब्रेथ नहीं बेटा ब्रीद क्या बोलेंगे मैम ब्रीद ब्रीद ओके लंग्स हेल्प अस इन ब्रीद ओके नेक्स्ट आपके हाउसेज आर फाउंड इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल ऐसे हाउसेज जो कि हैवी रेनफॉल वाले एरिया में बनते हैं कैसे हाउसेज होंगे वो यस सोनाक्षी स्टिल हाउसेज यस नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रॉ फूड का एग्जांपल है वो क्या हो सकता है जो कि रॉ हम खाते कच्चे ही खाते हैं आचल मैम कैरेट ओके बेटा तो सभी लोग कर लेंगे इसको यस मैम ठीक है तो बेटा सारे वर्क करना और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी इन द नेक्स्ट सेशन ओके यस मैम मैम चलिए आज का सेशन एंड करते हैं गुड बाय एवरीवन गुड बाय